हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे और अगर मैं कहूं दोनों ही लेजेंड है तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करेंगे 2024 हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक डिक्स मॉडल विथ 2024 हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 मॉडल। जी हां दोस्तों, दोनों में कितनी वेरिएंट आपको मिलेगी, कलर का क्या यहां पर आप लोगों को चीज़ें देखने में मिलेगी, प्राइस आप कितना पे कर रहे हैं, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, दोनों में क्या क्या चेंजेस आपको मिलेगी, सबके बारे में इन डेप्थ यहां पर डिस्कशन करेंगे। सो दैट वीडियो के एंड में एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि आप लोगों को खरीदना क्या है, यहां पर हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक डिस मॉडल खरीदनी है या फिर यहां पर ये एक्सटेक 2.0 मॉडल खरीदनी है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक की कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले डेविडसन की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले दोनों ही बाइक की जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक्सटेक 2.0 में अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो की है ये मिलेगी हीरो के लोगों के साथ, और यहाँ पर एक्सटेक मॉडल एक्सटेक डिस मॉडल में भी आप लोगों को कुछ सेम तरीके की जो की है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कलर के बारे में। हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल में आ रहे हैं तो ड्रम एंड डिस्क दोनों वेरियंट मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर डिस मॉडल को अभी भी कंपनी ने उतारा है इंडियन मार्केट में, तो इसी के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को तीन मोटा मोटा कलर जो है वो देखने में मिलेगी। यहाँ पर जो आप ब्लैक रेड के साथ देख रहे हैं ब्लैक ब्लू के साथ मिलेगी, और यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक ग्रे के साथ देखने में मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक्सटेक 2.0 मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रे है ये दिख रहा है, इसके अलावा आप लोगों को जो ब्लैक एंड देन रेड कलर है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा एक्सटेक 2.0 मॉडल में। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो कलर है वो तो बता दिया है, लेकिन अब प्राइस की क्या यहाँ पर सीन है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल में तो ड्रम जो आपको वेरिएंट मिलेगा वो 1,04,000 रुपीज़ में मिलेगा, और ये जो आप लोग यहाँ पर डिस मॉडल देख पा रहे हैं इसके लिए आप लोगों को 1,04,000 तक आप लोगों को पे करनी होगी। तो यहाँ पर 1,04,000, और जब आप लोग यहाँ पर एक्सटेक 2.0 मॉडल में आ रहे हैं, ये वाली मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को 1,03,400 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना होगा। तो आप लोग मानकर चल सकते हैं कि दोनों मॉडल में आप लोगों को 600 रुपये का गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर 600 रुपये कम आप पे कर रहे हैं, यहाँ पर 600 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर जो चेंज है और आपको क्या क्या देखने में मिलेगी, सबसे पहला जो आप लोगों को चेंज देखने में मिलेगा दोस्तों वो है फ्रंट व्यू में। अगर आप लोग देख रहे हैं तो हेडलैम्प का भले ये जो स्ट्रक्चर है सेम दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर हैलोजन है और यहाँ पर आपको कंप्लीट LED देखने को मिल रहा है। ये एक बार मैं आप लोगों को ऑन करके बता दूँ, जब आप लोग यहाँ पर एक्सटेक डिस मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं की ऑन करने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क आपको समझ में नहीं आएगा, फर्क आपको तब समझ में आ रहा है जब आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन करते हैं। यहाँ पर ये हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप जो है LED की आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, लेकिन मेन जो यहाँ पर आपको हेडलैम्प दिख रहा है ये कंप्लीट हैलोजन की आप लोगों को मिलेगी। और हाई बीम लो बीम के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो स्विच है वो आप लोगों को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, हाई बीम यानी लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसी से बंद करते हैं। और एक बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न सिग्नल तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्सिबल मिल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ये बल्ब का ही आप लोगों को मिल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो आप लाइट देख पा रहे हैं इन दोनों में शेप में आप लोगों को जो डिफरेंस है मतलब टर्न सिग्नल की ये आप लोगों को मिलेगी। बाकी इसकी भी जो की है उसको यहाँ पर अभी एक बार ऑन कर देते हैं। ये देखिए जो आप लोगों को लैंप यहाँ पर मिल रहा था ना LED के हिसाब से करीबन वही चीज़ को कंपनी ने यहाँ पर ये वर्टिकल खड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर एक जो डिफरेंस है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी एक बार इसकी भी इग्निशन जो इसको ऑन करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन ऑन कर रहे हैं देख सकते हैं कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम और पास लाइट के लिए अलग से स्विच है, तो ये लो बीम है ये हाई बीम हो गई। अगेन आप लोगों को पास लाइट को जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी यहाँ से भी आप लोगों को डायरेक्टली ऑफ ही करना होगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी टर्न सिग्नल बताऊँ तो ऑलरेडी बताया है शेप में यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बल्ब देखने में मिल जाएगी। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो मतलब हेडलैम्प का सेटअप है हैलोजन और LED ये आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है। बाकी टर्न सिग्नल की शेप में भी आपको थोड़ी सी डिफरेंस देखने में यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो नेक्स्ट जो चेंज दिखेगा वो है हल्की सी यहाँ पर इन दोनों की हैंडल बार में स्विच गियर्स में। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को जो एक्सटेक ये वाली मॉडल है डिस मॉडल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बार यहाँ पर ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम के लिए ये आप लोगों को जो स्विच मिल रहा है यहाँ पर 2.0 मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट मिल रही है, ये हाई बीम लो बीम एंड देन ये पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को अलग से मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप का सिस्टम है वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सटेक डिस एडिशन में नहीं मिलेगा, एक्सटेक 2.0 में यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैंप का स्विच मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, मैं एक बार आप लोगों को रियर सेक्शन से दिखा दूँ। फ्रंट और रियर दोनों में आप लोगों को जो
आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल ये आप लोगों को जलता हुआ मिलेगा, तो ये भी एक डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टर्न सिग्नल वगैरह जो है ये आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा। हॉर्न भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर ही मिल रही है, लेकिन हाँ हॉर्न का अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विच देख रहे हैं तो हल्का सा डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया। आप राइट साइड में आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं i3s क्या है, आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ ये जो स्विच आप देख रहे हैं ऑफर ऑन, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ये अलग देखने मिल रही है। तो ये एक जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। देन यहाँ पर अगर आप लोग ये इंजन ऑन करने की स्विच देख रहे हैं तो ये वाला भी आप लोगों को अलग मिल रहा है, और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं ये वर्टिकल है और यहाँ पर आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल देखने में मिल रहा है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थी दोस्तों जो आप लोगों को मीटर कंसोल में, तो काफ़ी हद तक खैर सेम ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो एक डिफरेंस आप लोगों को मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर मीटर कंसोल में बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे चलते हुए, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इसकी और जो चीज़ें उसके बारे में बता दूँ कि और आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करिए। देखिए मेन जो डिफरेंसेस थी वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ आप लोगों को क्या क्या देखने मिल रही है। बाकी फ्रंट में अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों में सेम टेलीस्कोपिक फोक जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी सिमिलर जो है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। तो कहा जा सकता है अगर भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी साइड वाइज गिरती भी है तो स्क्रैचेस से फिर आप कह सकते हैं डेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एंड देन अगर आप लोग मड गार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम फाइबर की देखने में मिलेगी। बाकी कलर आप लोगों को तो डिफरेंट मिल रही है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, भले ही ये जो ट्रेड पैटर्न है ये आप लोगों को दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, लेकिन दोनों में आप लोगों को सेम टायर भी मिलेगा 80x100 सेक्शन की विद 18 inches ऑफ एलॉय व्हील, और जो एलॉय व्हील है ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल करवा रही है। जब आप रियर ब्रेक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। अब अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट में आते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर ब्रेकिंग सिर्फ एक ही वेरिएंट है, सिर्फ ड्रम ब्रेक ही आप लोगों को मिलता है जो कि 130mm की है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक डिस्क मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी ड्रम वेरिएंट भी आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर सेम उस तरीके की 130mm की ड्रम ब्रेक भी आप लोगों को मिल जाती है। लेकिन क्योंकि ये डिस्क एडिशन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 240mm की जो डिस्क ब्रेक है विद दिस एंडोरेंस कैलिपर ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज आप कह सकते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक डिस्क एडिशन में मिल रहा है। बाकी ब्रेकिंग थोड़ी तो बेहतर आप लोगों को यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस डिस्क ब्रेक मिलेगी व्हेन कंपेयर टू ड्रम ब्रेक। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर देखेंगे तो वहाँ पर गोल शेप की और यहाँ पर आप लोगों को रेक्टेंगुलर शेप की आप कह सकते हैं ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं जो दोनों ही बाइकों में सेम है। एंड देन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 97.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगी जो 8.02 पीएस की मैक्स और एंड 8.05 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। बाकी यहाँ पर हीरो की जो लोगो है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगी, और आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग ये फुटेज से फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देखते हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम मिलने वाली है। इसके बाद एक डिफरेंस आप लोगों को जो दिखेगी ना वो है इसके एग्जॉस्ट में। आप ये देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट में मफलर कवर है, भले ही दोनों में ही क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो थोड़ी सी छोटी आप लोगों को महसूस होगी वहाँ पर एक्सटेक 2.0 मॉडल में, और एग्जॉस्ट जो है ना वो भी आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर दिखेगी। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले जो एग्जॉस्ट साउंड है एक्सटेक यहाँ पर डिस्क मॉडल की सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो एक्सटेक डिस्क मॉडल है उसको आप लोगों ने सुन लिया, और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सटेक 2.0 मॉडल है इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। बाकी हल्के से डिफरेंस आपको मिलेगा, बाकी आप लोग सुन लीजिए पहले इसको। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक को आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सी बेटर आपको लगी। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन एक हल्की सी आवाज़ में जो फर्क है वो आपको समझ में आएगी। बाकी रियर से अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो देखिए थोड़ी सी वो उभरी हुई निकली हुई है बाहर से, लेकिन यहाँ पर एक गोल शेप की है तो ये डिफरेंस जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये रियर में अगर आप लोग टेल लैंप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक हल्की सी डिफरेंस जो है दिखेगी। ये एक्सटेक 2.0 मॉडल है और यहाँ पर आप लोग ये नॉर्मल सी जो है ये आप लोगों को देखने में मिल रही है, ठीक है। एक्सटेक 2.2 में क्या है दोस्तों कि जैसे आप की ऑन कर रहे हैं ये लाइट जलती हुई दिखेगी, लेकिन अगर आप लोग एक्सटेक ये डिस्क मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर इग्निशन जब आप ऑन करेंगे तो आप लोगों को ये जो टेल लैंप है
तब आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये टेल टैडी वगैरह जो सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो आप लोग को दिखेगी। बाकी टर्न सिग्नल में डिफरेंस है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। बाकी जो रिफ्लेक्टर देख रहे हैं ये दोनों में आप लोग को सेम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो रियर टायर आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगी, फ्रंट की तरह 80x100 सेक्शन की विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, जो कि अगेन अलॉय व्हील आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रही है दोनों में। अगर आप लोग रियर सेक्शन में ब्रेकिंग देखते हैं तो सेम 130mm की ड्रम ब्रेक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। और दोनों में अगर आप लोग यहाँ पर ये सस्पेंशन देखते हैं तो सेम आप लोगों को 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को दोनों में सेम देखने में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये साड़ी गार्ड या फिर इंटीग्रेटेड लेडी फुटरेस्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। बाकी इंटीग्रेटेड कहना गलत होगा क्योंकि लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवाना हो रहा है, और ये आप लोगों को दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर करीबन सेम ही देखने में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, अगर आप लोग Xtec 2.0 में आ रहे हैं ना तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना पोर्शन, ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ये एक हल्का सा चीज़ यहाँ पर आप लोगों को Xtec 2.0 में अलग देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये चेन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को क्लोज चेन सिस्टम जो है वो मिल जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगी। और दोनों ही बाइकों में आप लोगों को 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, फ्रंट से डिसएंगेज होगी और रियर से आप लोगों को एंगेज होते हुए दिखेगी। और ये हिल एंड टो शिफ्टर जो है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल रही है। इसके अलावा अगर आप लोग सीट देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम ही देखने में मिलेगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस वैसे आपको समझ में नहीं आएगी। 785 तक की सीट हाइट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, कुशनिंग वगैरह आप लोगों को ठीक ठाक मिलेगी। तो अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कंफर्टेबल राइड आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है आपको दोनों ही बाइक को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वैसे होने नहीं वाली है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर Xtec 2.0 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैरियर आप कह सकते हैं ये आप लोग को अलग से फिटेड मिलेगा, जो आप लोग को यहाँ पर Xtec डिस्क मॉडल में देखने में नहीं मिले। यहाँ पर रेगुलर आप लोग को जो ग्रैब हैंडल है वो मिल रहा है, और यहाँ पर ये कंप्लीट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को दोनों में काफ़ी सेम मिलेगा, जो कि है 9.8 लीटर्स की। और माइलेज अगर आप लोग देखते हैं 60 से 70 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों ही बाइकों में। कोई से बाइक अगर आप लोग ओन कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताना, नहीं भूलेगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये शेप वगैरह जो है ये आप लोगों को ना हल्की सी अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए, बस कलर में इसलिए आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये जो एक हल्का सा डिफ्लेक्शन है ये ग्लॉस कलर में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दोनों में आप लोगों को सेम मिल रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर शेप की बात कर रहा हूँ, एंड माइलेज मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो वो भी दोनों ही बाइकों में 165mm की आप लोगों को मिल जाएगी। और वेट की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा Xtec 2.0 या फिर अगर आप लोग यहाँ पर Xtec अगर आप लोग ड्रम मॉडल में जाते हैं तो दोनों में आप लोगों को करीबन 112 किलोग्राम तक की मिलती है, लेकिन क्योंकि ये डिस्क मॉडल है यहाँ पर Xtec में तो ये 113.6 किलोग्राम तक की आपको मिलती है। तो दोनों में आप लोग कह सकते हैं कि 1.6 किलोग्राम तक की वेट में फर्क है, जो कि चलाते वक्त दोनों में बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली है। एंड देन अगर आप लोग मीटर कंसोल देखते हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये Xtec 2.0 में ही बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप लेती है और ये ब्लूटूथ सारी चीज़ें यहाँ पर बताती है। अगर आप लोग यहाँ पर ये हीरो की ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप जोड़ते हैं विद दिस कॉन्सोल तो यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन थ्री डी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट, फोन की बैटरी स्ट्रेंथ या फिर आप कह सकते हैं सिग्नल जो है सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर शो हो जाएगी। बाकी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर चलाते वक्त जब आप बाइक को चला रहे हैं कितने स्पीड जितने भी स्पीड पर आप चलाएंगे उस हिसाब से कितना आपको माइलेज मिल मतलब उस टाइम पे मिलेगी वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी यहाँ पर तो आपको स्पीडोमीटर दिख ही रहा है, इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी और ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये टर्न सिग्नल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप लोगों को दिखेगी। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर i3s जो कि आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिल रही है, ये चीज़ है क्या? मान के चलिए अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं तो अगर आपकी बाइक आइडल पर है ना, मतलब आप चला नहीं रहे लेकिन बाइक मतलब जो इंजन है वो ऑन है, तो 5 से 10 सेकंड बाद बाइक अपने आप बंद हो जाती है। एंड देन उसको दोबारा ऑन करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर जो क्लच है उसको पकड़ना पड़ता है, बाइक दोबारा ऑन हो जाती है। इससे क्या होता है माइलेज जो है वो काफ़ी हद तक मेंटेन होती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर Xtec 2.0 मॉडल या फिर यहां पर ये Xtec डिस्क मॉडल हो, दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा एक और बात है, यहां पर हीरो की ब्रांडिंग आपको नहीं मिल रही है यहां पर डिस्क मॉडल में, लेकिन जब आप ये Xtec 2.0 मॉडल में आ रहे हैं तो यहां पर आपको जो हीरो की ब्रांडिंग है वो आपको दिखेगी। एंड देन एक और चेंज दोस्तों, मतलब एक विजिबल चेंज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो आईना है आप देखिए यहाँ पर भी दोनों में आप लोगों को चेंज जो है वो समझ में आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि दोनों में क्या बाइकों में आप लोगों को क्या मिल रही है नहीं मिल रहा सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अगर आप लोग ये हीरो की 3D लोगो देख रहे हैं
तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगी। और इनफैक्ट अगर आप लोग ये बॉडी पैनल्स वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई चेंज आपको समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, आप लोगों को ना ही मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा आएगा और ना ही बॉडी पार्ट्स में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पर क्या है नहीं है दोनों बाइकों में मैंने आप लोगों को बता दिया है। कंक्लूजन में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर आप लोगों को मतलब आइदर और चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि डिस्क ब्रेक आप लोग को चाहिए ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने के लिए 100cc सेगमेंट में, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर जो एक्सटेक मॉडल है यहाँ पर विद दिस डिस्क इसको आप लोग खरीद सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग को ये चाहिए कि नहीं मुझे यहाँ पर ड्रम ब्रेक से ही मेरी काम चल जाएगी लेकिन मुझे यहाँ पर जो लाइट वगैरह है मुझे और तगड़ी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर जो एक्सटेक 2.0 मॉडल है ये आप लोग खरीदनी चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल है दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा आप लोग को और बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है दोनों बाइकों में समझ में नहीं आने वाले। बाकी अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो एक्सटेक डिस मॉडल में आप लोग 500 से 600 रुपये यहाँ पर ज़्यादा ही पे कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मैंने आप लोग को अपना जो एक्सपीरियंस था मैंने अपना ओपिनियन आप लोग को बता दिया है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, यहाँ पर एक्सटेक डिस मॉडल विद हैलोजन लैंप या फिर यहाँ पर एक्सटेक 2.0 मॉडल विद दिस ऑल LED हेडलैम्प, ये नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।